वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हुआ उसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। अब डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है क्या? डेमोक्रेसी बोलते हैं इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड, प्रजातंत्र होता है कौन सा जिसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हैं, जैसे कह सकते हैं लोकतंत्र भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में कौन कौन से लोग, विभिन्न तरीके के लोग। डाइवर्सिटी होती है विविधता, इसको बोलते हैं विविधता। यानी कि हमारे जो लोकतंत्र है, राजतंत्र है, उसमें कौन कौन से लोग किस किस तरीके से इंक्लूड है, तो कितनी विविधता है, कितने प्रकार के हैं, तो इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं ये हमारे सिविल चैप्टर नंबर 3 और ये है फीचर्स। तो फीचर्स विशेषता क्या है, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये एक विविधता को बताता है कि जैसे मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी में क्या हुआ था, ओलंपिक्स हुए थे 1968। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 1968 में क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेट हमारी वो है 1968, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने वैसे तो नीचे लिखी होगी, ये लिखा हुआ है। अगर पूछे कि जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और ओलंपिक्स हुए थे तो कब हुए थे, वो हुए थे 1968। पूछ लेते हैं किसको गोल्ड मिला, किसको सिल्वर मिला, किसको ब्रॉन्ज मिला, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए इसको जरा। द डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई ऑफ पीपल इज नॉट क्रिएटेड अलोन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। यानी कह सकते हैं किसी भी जो भी, यानी कोई भी चाहे हमारा पीपल है, यानी कोई भी मैन है, आदमी है, जैसे भी क्या न्यू क्रिएट करता है, तो वो क्या होता है, उस बेसिस पर उसकी लैंग्वेज को नहीं बताता, तो उसकी लैंग्वेज क्या होता है, उसके धर्म को भी नहीं बताता। अब अकेला कोई लिखा हुआ है नॉट क्रिएटेड, कोई क्रिएट मतलब कोई भी क्रिएटेड है, कोई प्राणी है, कुछ किसी चीज को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, तो उसको क्या होता है कि कोई भी उसकी, जैसे कह सकते हैं, उसकी विविधता को नहीं दर्शाता। विविधता को दर्शाता कौन सा है, वो दर्शाता है हमारा लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज किस तरीके की है, भाषा किस तरीके की है, इसमें हम आगे देखते हैं। बट मैनी टाइम दे आर आइडेंटिफाइड बाई देयर फिजिकल अपीयरेंसेस क्लास। अब आ गया बट मैनी, बहुत सारे मतलब कह सकते हैं बहुत सारे टाइम में क्या हुआ, आइडेंटिफाइड पहचाना गया बाई देयर फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल साइड तौर पर। पहला क्या था, क्लास, रिलीजन। अब आ गया इसमें कौन कौन से, जो पहले के जो कह सकते हैं किसी भी पर्सन को अगर पहचानेंगे, किसी की विविधता को पहचानेंगे, तो किसको पहचानेंगे, तो लिखा है कि ना तो हम उसकी लैंग्वेज को, उसकी जैसे उसकी भाषा क्या है, उसकी जो उसका धर्म है क्या है, उससे भी पहचान सकते हैं। और क्या पहचान सकते हैं, रीजन, जेंडर, कास्ट, क्लैन, ट्राइब और एक्सेट्रा, इससे हम किसी भी जाति या किसी भी मनुष्य को पहचान कर सकते हैं। डेमोक्रेसी रिस्पॉन्स टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इक्वलिटीज एंड फाइंड्स आउट एन अमेर एंड एमिकेबल सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल ग्रुप्स। यानी डेमोक्रेसी होती है वो रिस्पॉन्ड करती है किसके, अलग अलग ग्रुप को, अलग अलग टाइप का, उसकी डिविजन भी होती है, उसकी इक्वलिटीज भी होती है, समानताएं भी होती है, असमानताएं भी होती है, तो उसको बताता है कौन, सोशल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या, टू अमेरिकन अब आ गया नेक्स्ट, टू अमेरिकन, एक तो पहले लिखा अफ्रीकन और अमेरिकन, ध्यान रखना आपको, टू मतलब दो लोग, अफ्रीकन अमेरिकन, और पहला ऑप्शन कौन था, अफ्रीकन टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था, किसने लिया था, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस है वॉन द गोल्ड, क्या जीता था, गोल्ड, सोना, किसने जीता था, टॉमी स्मिथ एंड ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, वो जीता जॉन कार्लोस, रिस्पेक्टिवली इन द 200 मीटर्स रेस इन द 1968 ओलंपिक्स हेल्ड एट मैक्सिको सिटी। यानी कि मैक्सिको सिटी में ओलंपिक्स हुए थे, तो वो इसमें क्योंकि उसने पार्टिसिपेट करा था, जो रेस लगाई थी, तो वो रेस थी हमारी 200 मीटर रेस इन द 1968 मैक्सिको सिटी। तो आपको ध्यान रखना है, दो इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक तो
जो रेस थी वो कितने मीटर की थी, तो आपको ध्यान रखना जो रेस थी वो थी कितनी 200 मीटर, और कब हेल हुए थे तो यानी जो भी हमारे हेल हुए थे वो 1968, इसकी डेट याद रखनी है। और दूसरा आ जाता है गोल्ड किसे मिला था, तो गोल्ड मिला था टॉमस स्मिथ को, और ब्रॉन्ज किसे मिला था, वो मिला था जॉन कॉलोस को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे, इसको आप देख लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दीज टू बॉयज हैड वेयर ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, यानी कि जो दो लड़के थे दीज टू बॉयज, दीज टू बॉयज हैड वेयर पहने हुए थे ब्लैक शूज एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, यानी जो लोग यानी दो लड़के थे क्या पहने थे ब्लैक शूज एंड नो शूज, सॉक्स तो पहने थे, मतलब सॉक्स तो पहने थे, मोजे तो पहने थे, सॉक्स एंड नो शूज, यानी जूते नहीं पहने थे, टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ब्लैक काली गरीब उसको बता रहे थे। द ब्लैक ग्लोब एंड रेज टीज फाइट्स लिखा हुआ फिट्स, वैसे तो फिट्स लिखा हुआ फिट्स, बट मैन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर, यानी कि इसको क्या द ब्लैक ब्लैक ग्लोब रेज टू क्लींच इट फिट्स वर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर, यानी कि जो कह सकते हैं काली शक्ति है उसको क्या कर रहे थे, उसके मतलब को एक प्रतीक समझ के बता रहे थे, दर्शा रहे थे। नेक्स्ट है, थ्रो दीज एक्टिविटीज बोथ दीज प्लेस प्लेयर्स ट्राई टू रेस एंड इंटरनल मीटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन पूरे को देख लेना पूरी एक लाइन में, थ्रो यद्यपि दीज एक्टिविटीज उनकी जो क्रियाकलाप थे वो तो वो दीज दोनों के दोनों प्लेयर के ट्राई टू रेस एंड इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फॉर्म, यानी कि जो दोनों की एक्टिविटीज थी वो अमेरिकन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म में। दीज अराइज सोशल डिस्क्रिमिनेशन व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस टेक लीड अपॉन देयर डिफरेंसेस, यानी कि दीज अराइज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का यानी कि इसमें बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो बताई जाती है, डिफरेंसेस होती है वो भी बताई जाती है, तो दीज अराइज सोशल डिस्क्रिमिनेशन व्हेन सम सोशल, यानी कि जो हमारे सामाजिक और सोशल डिफरेंसेस टेक लीड अपॉन अदर डिफरेंसेस, यानी अदर डिफरेंसेस अदर यानी कि अलग की भिन्नताओं को भी बता रहा है कौन अमेरिकन सोसाइटी। इफ सिमिलर डिफरेंसेस आर देयर इन मैनी ग्रुप्स देन इट बिकम्स हियर टू मेक डिफरेंट आइडेंटिटी, लिखा हुआ आइडेंटिटी फ्रॉम अदर ग्रुप्स, अब इफ यदि सिमिलर डिफरेंसेस विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार की आर देयर इन मैनी ग्रुप बहुत सारे ग्रुप्स देन यानी देन तब इट बिकम्स हार्ड टू मेक डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम अदर ग्रुप्स, यानी कि जो उनकी अदर ग्रुप्स की आइडेंटिटी है उसको दर्शाता कौन हार्ड टू मेक बिकम हार्ड टू मेक। द सिविल राइट्स मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन यूएसए, आपको ध्यान रखना सिविल राइट्स, और ये किसने करा था, वो करा था मार्टिन लूथर ने स्टार्ट करा था, वो किसने करा था मार्टिन लूथर ने, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए बना लीजिए जो भी है कि वो ओलंपिक गेम्स, वैसे तो ज्यादा जल्दी ये पूछता कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ था 1968 में, और किसने इसको स्टार्ट करवाए थे, वो करवाए थे मार्टिन लूथर ने, और कहां हुए थे यूएसए में, तो आपको इसको ध्यान रखना ओलंपिक गेम के लिए। ठीक है, तो आप इसको और ज्यादा लोगों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है।